got a body like a goddess. हेलो गाइस, कैसे हो सब? ठीक हो? ऑल गुड? यार मैंने व्लॉग प्रॉपर बनाना था लेकिन मैं व्लॉग बना नहीं सका यार। एक्चुअली मॉम थोड़ी सी सेंटी हो गई ना, तो फिर मैं उनके पास ही रहा सारी देर। एक्चुअली मैं जा रहा था, आपको पता है मैंने ट्रैवल करना था, और इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ मुल्तान एयरपोर्ट पर, और 5 से 10 मिनट रहते हैं मेरे फ्लाइट में से। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, मुझे मेरा पत्नी पासपोर्ट कहाँ है, मुझे तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी आपको मिलता हूँ यार, मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के पहले इमिग्रेशन क्लियर कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके? हाँ जी। तो यार मैंने इमिग्रेशन तो करवा लिया, लेकिन यार मसला पता है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिया पेपर वगैरह की चेकिंग में, थोड़ा रश था, एक थोड़ा सा आगे से मेरे जैसे ही था, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, तो उस भाई की वजह से थोड़ा लेट हो गई। तो एनीवेज लेट्स गो मूव ऑन। टाइम ख़त्म हो गया यार, अब खड़ा हूँ लाइन में, खड़ा हूँ आज भी तेरी याद में। एनीवेज खड़ा हूँ भाई साहब, लाइन में लगे हुए हैं, चल रहे हैं। आप ये ट्रेन की तरफ ले जाइए हमें यार। आज अर्ली मॉर्निंग में मैंने फुल नाइट बनाया था कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन बस बना नहीं सका मम्मी जान की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा परेशान सी हो गई थी। जाहिर बात है फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो परेशानी तो होगी ना, तो जिस वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग बना नहीं सका। तो अभी ये है कि अब मैं खड़े हैं, जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, अब बैठेंगे। अल्लाह, PIA की फ़्लाइट है, मौला ही कैद करेगा। है अब तो हो गया जो होना था, बजट भी तो देखना होता है ना अपना, ज़रूरी तो नहीं है 100s की करवा लो और कुछ बैठे हो हाथ पे हाथ रख के, यार पहुंच तो गए लेकिन अब आगे जा कर, ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो अपना बजट देख के चलना होता है। खैर चलते हैं हम अब आगे अपने सफ़र की तरफ, गामजन होते हैं, तो चलो देखो अब क्या होता है आगे। यार मैं कैमरा अपनी तरफ इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं ना शायद पर्सन, और वैसे भी यार अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, तो इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने कैमरा फ्रंट पे रखा है, सामने ही रखा है। तो अब हम ये पहुंच गए हैं सर जहाज़ की मेन एंट्रेंस में, सामने ही। अब हम पहुंच चुके हैं सर मस्कत एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और सुना है, मतलब कज़न ने बताया, काफ़ी कज़न मेरा ऑलरेडी यहाँ पे होता है ना, तो उसने बताया कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और वाकई लग रहा है वाकई काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो हम अब आ गए हैं, जहाज़ के बाहर उतर चुके हैं, और ये स्ट्रेट रास्ता उन्होंने बताया, मैंने साथ वाले लड़के से पूछा, उन्होंने बोला बस जिधर आपको ये सड़क लेके जा रही है उसी तरफ चलते रहो, मंजिल का कुछ पता नहीं है कहाँ जाते हैं लेकिन रास्ता ही। तो हम निकल पड़े हैं इसी रास्ते पर, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जब मैं आ रहा था ना तब तो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ की हदूद पहुँचा हूँ ना, अब मेरा माइंड फ्यूचर का सोच रहा है, भाई काम तो तेरे पास है नहीं, करना तुझे कुछ आता नहीं है, करना क्या है तूने। अच्छा जी हम पहुंच गए हैं जी इमिग्रेशन का, सामने मुझे वो नज़र आ रहा है इमिग्रेशन का ऑफिस, वो सामने इमिग्रेशन, हाँ इमिग्रेशन आ गया, ठीक है इमिग्रेशन आ गया, मैं अब इमिग्रेशन करवा लूँ, प्रोसेस सारा कंप्लीट करके फिर मैं निकलता हूँ, फिर आपको मिलते हैं। अबे भाई साहब मैं वीडियो को ला रहा था, एक कुमानी श्रुता बोलते हैं यहाँ पुलिस वाले को, श्रुता मिल गया, कहता हुआ था रिद्धू ही, एक तो उनकी इंग्लिश की समझ नहीं आती, मैंने पहले बोला ना उन्हें भी इतनी हमारी तरह इतनी खास इंग्लिश नहीं आती, कहता हुआ था रिद्धू ही, मैंने कहा नथिंग एल्स जस्ट मेकिंग वीडियोज, कहते डिलीट डिलीट, भाई उसने अपने सामने खड़े होकर वीडियो डिलीट करवाई है, और तब उसने मुझे आगे जाने दिया। पहले दिन ही यार सीन क्रिएट हो गया यार, ये गलत है यार। अब
पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे सामान कलेक्ट करना है। सामान देखो किस साइड पे मिलता है यार, वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है ना, अच्छा एयरपोर्ट है। तो अब बैग ढूंढो, बैग ढूंढो, बैग ढूंढो, मेरे वाला कहाँ पे है, पता नहीं कब आएगा। ये इधर सामने पड़े हैं, ये बैग आ रहे हैं। तो अब यहाँ से अपना बैग देखते हैं, लो जी पहुंच गया मस्कत। पता मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ, लड़के की वेट में खड़ा हूँ जिसने आगे मुझे पिक करना है। देखो कब आएगा वो भाई साहब और कब मुझे पिक करेंगे, मैं आपको ना व्यू दिखाता हूँ। पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ मैं इस वक्त, देखो थैंक गॉड यार, जिसने मुझे पिक करना था वो आ गया। तो अब हम चलते हैं, अब मालूम नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night.